मीडिया च गल्लां करनियां ते रियलिटी च किन्ना फर्क हुंदा है वो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है। जिहड़े कहिंदे सी ना राज नहीं सेवा, वो राज नहीं मेवा। पावर की दुरवरतों किस तरह करते रहे लोग सत्ता के नशे च, उहदा एक छोटा जिहा एग्जाम्पल अज मैं पेश कर रहा कि पंजाब की विधानसभा ने जिहड़े MLA इलैक्शन हार चुके हैं, खासकर जिहड़े डिप्टी मुख्यमंत्री पिछली सरकार च रहे सुखबीर सिंह बादल साहब, डिप्टी मुख्यमंत्री दे बराबर ही ताकत रखने वाले बिक्रम सिंह मजीठिया साहब और पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके चरणजीत सिंह चन्नी होना ने पंजाब की विधानसभा वालों अलॉट किए गए MLA के स्टीकर भी वापस करन दी जिम्मेवारी नहीं समझी। मतलब इन्नी जिहड़ी सत्ता का नशा इन्हां लोकां ते कितना चढ़ता है कि असीं जिहड़ा एक एलीगेशन लाउंदे रहे ना कि इन्हां ने पंजाब की राजनीति नूं, पंजाब की सत्ता नूं मखौल बना के रख्या सी, बापोती बना के रख्या सी। उहदा एक छोटा जिहा एग्जाम्पल है कि तुसी पंजाब दे लोकां वल्लों नकारे जा चुके, तुसी इन्नियां वड्डियां वड्डियां पोजीशनां नूं माण चुके हो, तुसी इह वी जहमत नहीं उठाई कि पंजाब दी विधानसभा वल्लों तुहानूं MLA दे स्टीकर दित्ते गए सी उह वी तुसी वापस नहीं कीते। यानी कि सत्ता दा नशा किस हद तक इन्हां लोकां दे सिर ते चढ़ के बोलदा है, उहदियां परतां पंजाब दे लोकां दे सामने आ रहियां सी। सानू कह रहे सी कि पिछलियां बिल्डिंगां टुटियां भजियां खंडर हो चुकियां बिल्डिंगां नूं रंग रोगन करके पंजाब दे लोकां लई मुहल्ला क्लीनिक बनाते, ते असी तो फिर भी सर्विस दे रहे हां तुहाडियां बनाईयां बिल्डिंगां जां तुहाडे तों पहलियां दियां बिल्डिंगां जिहड़ियां पंजाब दियां पंजाब सरकार दी प्रॉपर्टी जां जिहड़ियां किसे वरतों च नहीं आ रहियां। मान साहब की सरकार अरविंद केजरीवाल जी वालों शुरू की सेहत क्रांति नूं अगे वधारी पंजाब च, अहीं उहनूं यूटिलाइज कर रहे हैं कि लोगों नूं सेहत जिहड़ी आ बेहतर सुविधा मिले, परेशानी ना होवे। इस हद तक फिक्रमंदी है मुख्यमंत्री जी की, ताहीं उन्होंने पिछे जे कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं मैं तो दुख मंत्री हाँ, और दुखां नूं रोजाना पंजाब के दुखां नूं घट करन दी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन मेरा तुहाडे राही पंजाब के लोगों नूं एक सुनेहा है कि ये लोग जिहड़े लंबे समय तक सत्ता के सिखर ते रहे होण और जिन्हां ने पीढ़ी दर पीढ़ी पंजाब ते राज कीता है, वो पंजाब के लोगों नूं टिच नहीं समझते। और ये मतलब मैं बापोती शब्द जानबुझ के वरतिया सी क्यों दी रिफलैक्शन है इहदे च, ये उन्हां दी जिहड़ी अहंकार सत्ता दे नशा और पीढ़ी दर पीढ़ी पंजाब ते राज करन दा जिहड़ा अहंकार है उहदी रिफलैक्शन है कि टिच नहीं जाणदे असीं कानूनां नूं ते प्रोसीजर्स नूं ते लॉ नूं। लेकिन हरेक एक एक चीज़ दा मान साहब की सरकार नोटिस लऊगी और ये सब गलत रवायतां बंद करांगे असीं, क्योंकि असीं पंजाब दे लोकां दे प्रति जवाबदेह, असीं पंजाब दे पहरेदार हैं, असी पंजाब दे लोकां दे खजाने दे पहरेदार हैं, पंजाब दी विधानसभा दे पहरेदार हैं, पंजाब दे लोकां दे भविख नूं लैके फिक्रमंद पहरेदार हैं। तो ये कोई इस तरह की मैं एक एग्जाम्पल तुहाडे सामने रख्या, आने वाले टाइम च बहुत चीज़ां निकलनियां, लेकिन जिहड़े सानू कल पाठ पढ़ा रहे सी उन्हां दी असलियत की है कि एग्जाम्पलां लैणियां टोल प्लाजे ते कि पंजाब की विधानसभा को समझते कुछ नहीं, और नोटिस जारी किए आ पंजाब की विधानसभा ने सरदार सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ, सरदार विक्रम सिंह मजीठिया वास्ते, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं कि अपने स्टीकर वापस करो। हाँ, XMLA के तुम स्टीकर वापस हो,
दिते जाएंगे लेकिन पावर की दुरवरतों कितने करते रहे होंगे वह एक एग्जाम्पल है ये मैं थोड़े सामने रखा तो सवाल हो तो कर सकते निरा झूठ बोलिया विक्रमजीत साहब ने कल झूठ और उस तो भी वड्डा झूठ बोलिया सुखबीर सिंह बादल साहब ने ट्वीट करके ये लोग धर्म के नाम से सिर्फ ते सिर्फ राजनीति करते रहे मान साहब की सरकार अपने महान शहीदों को सच्चे दिलों श्रद्धांजलि दिंदी है और उही असी रिलीज किया बाद फोटो का कि जेडे पंज प्यारियां दे नाम ते हॉस्पिटल बने हुए हैं सैटेलाइट उन्होंने नाम सब तो उपर है और ये तो कभी गैब नहीं होने और तुसी मैनू तो इस गल की तसली है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जेडे साडे होम मिनिस्टर अमित शाह जी स्कूलों के गेड़े लवाने शुरू करते तो पंजाब की मान साहब की सरकार ने बिक्रम सिंह मजीठिया हस्पतालों के गेड़े लवाने शुरू करते नहीं तो ये तो कभी भौंके भी नहीं झाकते तकरीबन 90 XML हैं वड्डे चेहरे मैं तुहानूं दस्सिया ते और उन्हां चों वी तकरीबन ज़्यादातर कांग्रेसी हैं लेकिन जिहड़े लोग एक वड्डियां पोजिशनां ते रह चुके हो मैं तो गल एक जवाबदेही की गल रहा मॉरल वैल्यूज की गल कर रहा मैं सानू लैक्चर देंदे आ ते इह हालात हैं इन्हां दे देखो लाभ सिंह जी ने की क्या लाभ सिंह जी ने यह क्या भी मेरी मैं MLA हाँ तुम मैं दुनिया भर का लैक्चर सुनाता जे पिछलिया सरकार होंदिया तो थोड़े ना हाथापाई कर दी क्या कुछ गलत नहीं किया तोड़िया गया मरोड़िया गया उन्होंने कहा मैं तुहाडी पेशेंसली गल सुनी है कि तुसी जो किया तुहाडे पिंड जाके जे कोई होर पिछली सरकार होंदी और सच्चाई है ये ते जेड़े बंदे हार तो बाद MLA ते स्पीकर वापस नहीं कर रहे ते एक किसे पिंड दे एक्स वो वैसे सरपंच नहीं गा लेकिन किसे आम सधारण तो भी इन्नी गल कितने सुन सकते सी उन्होंने तो सुनी है हाँ वो गल वक्री है कि यह दूजे पासे लै गए जेड़े साडे अपोजिशन उन्हें मौका चाहिए देखो नोटिस भेजे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने उन्हां दी ज्यूरिडिक्शन है मैं तो तुहाडे राही इन्हां दीआं इन्हां दा जिहड़ा करैक्टर है वह मैं सामने रख रहा पंजाब के लोगों के राही वो तो विधानसभा की जो वापस तो उन्होंने करने पैने वो कोई दो राय नहीं है लेकिन वो तो फिर बहुत सारे तरीके है विधानसभा बहुत इंपावर है उन्होंने रद्द कर सकती है क्योंकि वह पूरा रिकॉर्ड है पर यह लोग टिच नहीं जानते सत्ता तो बाहर रह के भी पंजाब के कानून एक एग्जाम्पल मैं थोड़े सामने वजह मैं तुम एक्सप्लेन की है सत्ता का नशा पीढ़ी दर पीढ़ी पंजाब के राज करन दा अहंकार पंजाब नूं टिच नहीं जानना राज नहीं मेवा राज नहीं सेवा नहीं है राज नहीं मेवा हाँ बंदा हंबल होंदा है पोजिशन लैके ये तो मतलब ये हंकारे गए जो पूर्व विधायक से जिस दिन हो जाए मॉरली तो जिम्मेवारी बनती अगले दिन ही वापस कर दे आके ये वो लोग है जेडे सरकारी घर भी 27-27 साल बाद मान साहब ने सरकारी घर खाली कराए जेडे कोई पोस्ट नहीं रखते थे पंजाब 27-27 साल तो पंजाब के सरकारी घर से कब्जा किया होया स्टीकर भी उस लड़ी की है कई पंजाब के सबका मंत्री सरकारी घर का समान लै गए तुहाडिया बथेरिया रिपोर्टा आई ये लोगों का एक किरदार रहा है राम रहीम के वलों जी डेरा सलाबपुरा पंजाब दे विच एक सत्संग का प्रोग्राम रखा गया पहला की हालात रहे ने वो भी तुहानू भली भांति जानने आ ते इस दे लई सरकार की कर रही है इस चीज नू तुसी किवें देख रहे हो देखो जी पहला की होया है भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें सूबियां दे अलग अलग सूबियां जाके इन्वेस्ट करना हुंदा है जरूरी नहीं है कि हर तरह का इन्वेस्ट उन्हें इत्थे करना या तो होवे ना इत्थों का प्लांट बंद करता तो उत्थे शुरू करता ये तो इन्हां दे टाइम हो रहे सो मैनू नहीं लगता ये असल च की इन्वेस्टमेंट के खबर आए हैं लेकिन कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वह दुनिया के किसी भी कोने जाके अपना काम कार शुरू एडिशनल कर सकता है लेकिन यदा मतलब ये नहीं वो पंजाब कोई बंद कर रहा है चंडीगढ़
कमले हो गया शायद, सत्ता बड़े सालों बाद मिली है। चंडीगढ़ से हिमाचल का कितना बनता, मतलब हद होगी, घर का ही राज समझ रखा है। यही तो एक बार इंदिरा गांधी दी करतूतां असी भुगत रहे तो हुण वार वार थोड़ी इस तरह चलूगा। सो मैनू लगता अजे नवे नवे डिप्टी सीएम है शायद, पहला सीएम बनना चाहते थे अजे हल भी करती है और गल भी करती है। जेडे उन्होंने मसले सेंटर दी सरकारां नूं लैके आ, जेडे उन्होंने मोदी साहब ने उन्होंने कमिटमेंट की एम एस पी की लीगल गरंटी ते बाकी सारिया चीज़ा, वो तो सेंटर सरकार ने तो वेख्या ही नहीं बाहर मुड़ के, तो वो हुण नतीजे उन्होंने सेंटर वाले भुगतने पैणगे। उन्होंने असीं तो यही कहांगे किसानां की हरेक गल जिहड़ी आ मोदी साहब की सरकार नूं मननी चाहीदी आ, नहीं तो आ वेख लो अडानी दियां करतूतां सामने आ ही रही जिन्हों मोदी साहब इन्ने साल सपोर्ट करते रहे, अज हालात की है। मोदी साहब नूं चाहीदा अडानी साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करन और किसानां दियां मंगा मनन। देखो पंजाब सरकार ने कई लंबे अरसे तक साड़ी मां बोली नूं इग्नोर करके रखा गल्लां ही। मान साहब ने इमीजिएटली वो चीज़ों का नोटिस लिया है और बड़ा सख्ती नाल लिया, और साडे जिहड़े मिनिस्टर है अमित हेयर जी और लगातार उन्होंने बयान भी आ रहे और जाके वो इस चीज़ों की इंस्पैक्शन भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली असी चाहते हैं पंजाब के लोग अपनी माँ बोली ना प्यार करन, उहदी रिफलैक्शन भी आवे, चाहे वो सरकारी अदारे आ प्राइवेट अदारे आ दुकाना आ कोई कोई स्टोर है, तो डेफिनेटली सरकार उहदे लई लगी हुई है, अवेयर करन च भी लगी हुई है। और 21 फरवरी तो बाद सीएम साहब ने कहा है जे कोई नहीं मानता तो चंडीगढ़ के ज्यादातर स्कूल जेडे ने सरकारी ने उन्हां दे उत्ते हिंदी इंग्लिश नूं पहला पंजाबी बिल्कुल हरेले पत्तर दिया, उन्हों किवें देखदे? देखो चंडीगढ़ दे विच वी इंटरफेयर होएगी पंजाब, चंडीगढ़ च वी असीं उन्हां नूं बेनती करांगे एडमिनिस्ट्रेशन नूं, लेकिन असीं ते पहला पंजाब वी सुधार लई, पंजाब च वी बहुत इस चीज़ का मतलब ध्यान नहीं दिता गया, हालात बहुत बदतर रहे माँ बोली नूं लैके, उहदे ते असीं इक वड्डी कंपेन चला रहे मुख्यमंत्री जी दी अगवाई च। तो डेफिनेटली चंडी एडमिनिस्ट्रेशन नूं असीं चंडीगढ़ वालों को डेफिनेटली असं अपील करा। ओपीएस लैके एक कमेटी सरकार ने बना दी है जो सरकार एसओपी दसेगी कि यह चीज़ा जारी हो सकती है, कदों तक कमेटी रिपोर्ट दे सकती है और की कुछ रहेगा? देखो गल ये आ साडी मंशा की आ वो रिफलैक्ट करती है जिहड़ी कमेटी बनी है, और देखो उहदा मकसद ये है एस ओ पी कि क्योंकि इकोनॉमिकली असी भी देखते हैं सूबे के जिहड़े हालात है उसनू असी मान साहब आर्थिक तौर पर मजबूती वल लिजा रहे हैं, लेकिन यह साडी पंजाब के लोगों नाल वादा उहनू इंप्लीमेंट करना, उहदी सारियां जिहड़ियां ग्राउंड रियलिटीज की है और पैसे का। तो दस दिए कि आम आदमी पार्टी की प्रैस कॉन्फ्रेंस सी जिस दे विच आम आदमी पार्टी के बुलारे मलविंदर सिंह कागहूरा ने स्पष्ट किए ने काफ़ी गल्ला, जी मीडिया से मुकेश अग्निहोत्री ने बयान दिता सी, उस तो बाद चंडीगढ़ के हिमाचल का 7% जिहड़ा हक हटाया गया सी, ते चंडीगढ़ के हिमाचल का किवें हो सकता है हक स्पष्ट किया आम आदमी पार्टी पंजाब ने। मुकेश अग्निहोत्री नूं आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर जवाब, चंडीगढ़ के हिमाचल का हक किवें हो सकता है ये सवाल खड़ा किया गया। दस दिए कि जी मीडिया के मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ने जिहड़ा स्टेटमेंट दित्ती सी, ते उस तो बाद हुण स्पष्ट किया आम आदमी पार्टी ने कि चंडीगढ़ ते हिमाचल का हक किवें हो सकता है। सो खास तौर पर उन्होंने काफ़ी अहम गलबात भी साझी की है, इस दौरान इंदिरा गांधी होरां दा भी जिक्र किया गया, ते नाल ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किदां हक हो सकता है चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश का। सो नाल ही तुहानू दस दिए कि राम रहीम की पैरोल नूं लैके भी उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, लेकिन जिस हिसाब हुण बठिंडा दे विच जिहड़ा सत्संग रखा गया गुरमीत राम रहीम का, तो उसनों लैके
सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध की भी गलबात आखी गई है कि ध्यान रखा जाएगा कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है ने ते नाल ही बीजेपी भी निशाने पर लिया मरविंदर कग होर ने। एक बार मुड़ तो सुन लें कि कुछ कहना आम आदमी पार्टी का बुलारा मालविंदर कंग होना का की कहना है। सो मलविंदर कंग होरा की स्टेटमेंट भी सुनाएंगे, लेकिन उस तो पहला जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से मुकेश अग्निहोत्री ने की कुछ बड़ा बयान दिता, एक बार वो भी सुन लें। चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ में अगर पंजाब और हरियाणा ने अपनी बंटवारा कर लिया है तो पंजाब के बंटवारे के तहत हिमाचल भी एक पार्टनर स्टेट है और 7.19% हिस्सा हमारा भी है। वो सिर्फ प्रशासनिक पदों का नहीं है, कर्मचारियों के पदों का नहीं है, वहाँ की संपत्तियों पे भी है और वहाँ पे हमने अपने जो है संस्थान बनाने हैं चंडीगढ़ में। कई कई चीज़ें हमारी ज़रूरतें हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी और अन्य स्थानों से भी जो है ये बात हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश का हक है, हिस्सा है। सो बिल्कुल तुसी स्पष्ट तौर पर सुनया कि हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम का की कुछ कहना मुकेश अग्निहोत्री का। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ तो हिमाचल प्रदेश का भी हक है तो उस हिसाब कानूनी जी लड़ाई है उसके तहत जरूर असं अगे वधांगे। तो दूसरे पास आम आदमी पार्टी पंजाब ने स्पष्ट किया है कि अजिहा नहीं है, चंडीगढ़ तो हिमाचल का हक किदा हो सकता है, सवाल खड़ा किया गया आम आदमी पार्टी पंजाब द्वारा। सो मुकेश अग्निहोत्री को आम आदमी पार्टी पंजाब का जवाब, चंडीगढ़ तो हिमाचल का हक किवें हो सकता है। सो हालांकि इस तो पहला हरियाणा तो हूँ हिमाचल ने भी जिहड़ा है अपना दावा पेश किया, हक जताया कि चंडीगढ़ से साडा भी बराबर का हक है। सो दस दिए कि चंडीगढ़ से हुण जिस हिसाब के नाल आपो अपने दावे पेश किए जा रहे हैं तो उस दरम्यान हुण एक नवा दावा नवा हक जताया हिमाचल प्रदेश ने। जी मीडिया के नाल खास तौर पर गलबात दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होरां ने कहा कि चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश का भी हक है तो उस तो बाद हुण स्पष्ट किया आम आदमी पार्टी पंजाब ने के हिमाचल का चंडीगढ़ से हक किवें हो सकता है। सो दस दिए कि 7% हक जताया सी चंडीगढ़ से हिमाचल का हक हो किवें सकता है, यह सवाल खड़ा किया आम आदमी पार्टी ने। सो बीते दिन मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश उन्होंने खास तौर पर जी मीडिया के गलबात करद एक हक जताया सी कि चंडीगढ़ तो हिमाचल प्रदेश का भी हक है तो उस तो बाद हुण स्पष्ट किया आम आदमी पार्टी पंजाब ने कि हिमाचल प्रदेश का चंडीगढ़ तो हक किवें हो सकता। सो हालांकि जेकर गल की जाए तो पंजाब के काफ़ी पिंड उजाड़ के चंडीगढ़ वसाया गया सी ता उस तो बाद हुण हक हरियाणे ने भी जताया तो नवा जिहड़ा दावा ते हक जताया वह हिमाचल प्रदेश ने जताया। लेकिन हुण आम आदमी पार्टी दे बुलारे बलविंदर कग होर ने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश का हक हो किवें सकता। सो बीते दिन जी मीडिया ते मुकेश अग्निहोत्री ने वड्डा बयान दिता सी ते 7% हिमाचल का चंडीगढ़ ते हक जताया सी। सो एक बार मुड़ तो डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने की कुछ कहा जी मीडिया नाल गलबात दौरान वह भी सुन लिया। चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ में अगर पंजाब और हरियाणा ने अपनी बंटवारा कर लिया है तो पंजाब के बंटवारे के तहत हिमाचल भी एक पार्टनर स्टेट है और 7.19% हिस्सा हमारा भी है। वो सिर्फ प्रशासनिक पदों का नहीं है, कर्मचारियों के पदों का नहीं है, वहाँ की संपत्तियों पे भी है और वहाँ पे हमने अपने जो है संस्थान बनाने हैं चंडीगढ़ में। कई कई चीज़ें हमारी ज़रूरतें हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी और अन्य स्थानों से भी जो है ये बात हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश का हक है।